अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के साथ कुछ सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करना है। बहुत दिनों से, 3-4 दिन से तकरीबन, एक न्यूज़ है जो सर्कुलेट हो रही है कि एक बच्ची ने 3rd फ्लोर स्कूल से अपने जंप लगाकर सुसाइड कर ली है। और इतनी शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा समझे के दिल दहला देने वाली ये न्यूज़ थी कि हम लोग हर रोज़ इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पहले फराज़, जिस दिन ये न्यूज़ हुई तो फराज़ ने आकर ऑफिस से सीधा मुझे बताया। मैंने कहा हाँ फराज़, मैंने भी देखा है। और फिर बच्चों ने भी मुझसे ये बात आकर डिस्कस करी खुद से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक न्यूज़ जो इतनी सर्कुलेट हो रही है वो बच्चों के कानों तक भी पहुँच रही है और इसका इम्पैक्ट इनके दिमागों पर भी पड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इतने समझदार हैं और हम लोगों ने इनको इतना स्पेस दिया हुआ है और आप हमने ऐसा इनके साथ माहौल और बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है कि इनकी कोई भी बात जो ये सुनते हैं, चाहे वो इनको डिस्टर्ब कर रही हो, इनको खुश कर रही हो, ये हमसे डिस्कस ज़रूर करते हैं। और दिन में 3-4 बार अपने कामों से फुर्सत निकाल कर जब ये स्कूल से आते हैं, पहला सवाल मेरा यही होता है। और अपने घरेलू कामों से फुर्सत निकाल कर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ इन ऐसे सवाल करूं कि ये अपने दिन की रूटीन में अगर कुछ मुझे नहीं भी बताया तो शेयर करें। और इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि अगर फराज ऑफिस से आए हैं तो ये भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, अगर ये बिजी भी होते हैं तो मैं खुद से इनको बोल देती हूं कि भाई आप बच्चों से बात करें, खास तौर पे छुट्टी वाले दिन। तो बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। बच्ची जो है वो क्यों इतनी डिस्टर्ब थी, उसको क्या ऐसा मसला दरपेश था, घर से था, स्कूल से था, जहां से भी था, वो अपनी पूरे दिन की रूटीन नॉर्मल करके घर जाने से पहले स्कूल से जंप कर देती है और इतने बुरे तरीके से उस बच्ची की मौत वाक़ होती है। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक अमल है, जिस तक वो बच्ची क्यों पहुंची अल्लाह जानता है। मोमिना नाम है उसका। हाँ, मोमिना नाम है उस बच्ची का, बिल्कुल फराज ने मुझे बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया। बच्ची जाहिर सी बात है बिल्कुल, जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं ना तो सारे दुनिया के बच्चे आपको अपने बच्चों की तरह ही लग रहे होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इस बात को देखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा खामोश है, माँ जो हर वक्त बच्चे के साथ होती है, खास तौर पर सबसे पहले उसको पता चलना चाहिए और अपनी दुनिया के हर काम से फुर्सत लेके उसको अपने बच्चे को फोकस करना चाहिए, बच्चे पर फोकस करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। और अगर उससे वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके वालिद को भी उसमें शामिल करना चाहिए। सही बात है, मतलब कुछ सजेशन है, कुछ इस तरह है जो हो सकता है वो बच्चा माँ को नहीं बता पा रहा हो, तो अपने वालिद को बता दे। सही बात है, बॉन्डिंग होती है। अब जैसे हाजिर की बॉन्डिंग जो है वो मुझसे थोड़ी कम है लेकिन अपनी वालदा से ज्यादा है, और अनाबिया जो है मुझे कुछ बोलती नहीं है लेकिन जब बोलती है तो बिना झिझक बोल देती है, शायद माँ से नहीं बोल पाती हो तभी मेरे पास आती है। और अरुण जो है वो तो बहुत ही बेझिझक है माशाल्लाह। वैसे हमने अपने तीनों बच्चों को ही इतना स्पेस दिया हुआ है कि ये हमसे हर बात डिस्कस कर लेते हैं। और एक खत जो था वो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें उसकी ऑथेंटिसिटी पे शुरू से ही सवाल या निशान था, लेकिन अब तो पता चल चुका है जैसे जैसे न्यूज ब्रेक हो रही है कि वो खत जो है वो ओरिजिनल नहीं है, फेक है, क्योंकि उसमें जिक्र है कि उसकी बहन का जिक्र है उस खत में, लेकिन असल में वो दो बहन भाई थे। लड़की ने तो खुद, बच्ची ने तो खुदकुशी कर ली मोमिना ने, अब उसका भाई है, लेकिन लड़की में उसमें जो जिक्र किया हुआ है लड़की का किया हुआ खत में ज्यादा, यानी कि मेरी एक बहन है, यानी फेक जो प्यार ज्यादा करते हैं माँ बाप, उसको देखते हैं, मुझे डांटते हैं, ये बहुत अजीब सी चीज थी, बहुत अजीब सी थी। और इससे हम लोग ज्यादा, मतलब मैं और फराज इस खत को पढ़ के जो फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे भी आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा, उस खत को पढ़ने के बाद हम लोग ज्यादा हिल गए थे कि अल्लाह, कोई बच्चा ऐसे कह सकता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है और मैं इस वजह से खुदकुशी करना चाहती हूँ। तो भाई इसके पीछे जो भी सारे वाकयात हुए होंगे उस बच्ची के साथ, अब वो स्कूल में हो या घर में हो, उन सब पे नजर डालने के लिए सबसे पहले तो भाई आप घर में देखें कि आपका बच्चा अगर कोई एक है जो आपको ज्यादा दिल खोलकर नहीं बता सकता, सबसे पहले तो माँ बाप आपस में ऐसी बॉन्डिंग बनाए कि वो एक दूसरे की बात को समझें और एक आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय बच्चे पे फोकस करें। उसके बाद स्कूल के टीचर्स पे भी जिम्मेदारी आती है, अगर क्लास का कोई बच्चा खामोश है, वो अकेला बैठता है, उसके कोई दोस्त नहीं बनते, जैसे कि मोमिना के बारे में कहा जा रहा है, टीचर्स कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उन्होंने अपने बयान में ये बताया है कि टीचर्स कह रहे हैं कि हमने उसकी बहुत बार जगह चेंज भी करी
और उसको दूसरे बच्चों के साथ बिठाया भी है। वो वैसे ही डिस्टर्ब थी। हाँ, और उस पेरेंट टीचर मीटिंग में उसकी मदर को ये बात बताई भी गई है कि बच्ची क्लास में जो है ये इस तरह से कोने में चुपचाप बैठी रहती है, तो इस पे बहुत माँ को कोई रिएक्शन आना चाहिए था। और क्या, फिर उसके बाद उसकी क्लास में कोई ऐसा हसास बच्चा नहीं था, एहसानमंद मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं था, एहसासमंद बच्चा नहीं था कि जिसको ये देख के फील हो रहा हो कि भाई हमारी क्लास की ये बच्ची है कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। कोई उसका ऐसा दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था। माँ आपको याद है एक मेरा फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा जी, वो भी क्लास में अकेला बैठता था, सब उसको बुली करते थे। तो आप मैडम के पास गई थी, फिर आपने बोला था कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है उसको सब बुली करते हैं, आप जरा देखें। और आपने फिर नंबर लिया था उसकी अम्मा का और आपने उनको कॉल करके बताया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई में उस बच्चे का हम नाम नहीं लेंगे, वो अब हाजिक की क्लास में कोविड के बाद से आया भी नहीं है। और डेली बेसिस पे हाजिक जो है ना वो इतने माशाल्लाह से हसास थे शुरू से। एक उससे पहले भी इनकी क्लास में एक बच्चे थे उनके कॉम्प्लेक्शन को लेके और इस बच्चे के भी बॉडी टाइप को लेकर और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, उन सब को लेके बच्चे बहुत बुली करते थे। हाजिक मुझे रोज आकर बताते थे और मैं आपको बात बताऊं प्ले ग्रुप में तो आकर पहली बार ये रोए भी थे घर में कि एक बच्चा है उसको सब इस तरह कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने बच्चों को घर से इस तरह से ब्रीफ करें कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है आप उसके बारे में जैसे ही मुझे हाजिक ने बताया तो मैंने इनको फौरन ये गाइड करना शुरू करा कि बेटा आप खुद जाओ उसके पास, उससे दोस्ती करो, उसको हेल्प की जरूरत है आप उसको हेल्प करो। वो पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं था, छुट्टियां भी बहुत ज्यादा करता था। फिर मैं वाकई में स्कूल गई अपने बच्चे के लिए बात करने के लिए नहीं, उस बच्चे के बात करने के लिए मैं मैम के पास गई इनकी और मैंने फिर वहां से उनकी मदर का नंबर लिया और उनकी मदर को कॉल करके बोला कि आपको कैसे पता नहीं चल रहा कि आपके बच्चे के साथ इतना कुछ होता है स्कूल के अंदर और वो क्या फेस करता है, प्लीज आप उस पर तवज्जो दें। उसके बाद उन्होंने थोड़ी तवज्जो देनी शुरू की थी और वो कुछ बेहतरी की तरफ भी आया था, बट वो कोविड के बाद से स्कूल आया नहीं, अब पता नहीं उसके क्या हालात है। यार बस यही दुआ कर सकते हैं कि अगर उस जैसे कोई और बच्चे हैं जिनको लोग बुली करते हैं क्लास के बच्चे और वो खैर खैरियत से रहे, उनकी गिर्दो नमा के लोग उनको देखें, खासकर पेरेंट्स उनको देखें, ऑब्जर्व करें उनकी एक्टिविटी को। और आप लोग भी दोबारा ऐसे अगर हैं तो नजर में रखना, अगर किसी को कोई बुली कर रहा है तो आप उससे दोस्ती कर लो। दुआ कर सकते हैं कि मतलब ऐसा मजीद किसी बच्चे के साथ ना हो, रोक तो नहीं सकते लेकिन दुआ जरूर कर सकते हैं। एक चीज और है जो मैं कहना चाहूंगा, उस बच्ची ने तो लाशौरी में खुदकुशी कर ली लेकिन किन वजूहात की बिना पे की वो भी देखा जाए, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और फिर सजा भी दी जाए अगर कोई इस तरह का गिल्टी निकलता है जिसकी वजह से उस बच्ची को एक दाम उठाना पड़ा। बिल्कुल, और अगर घरेलू हालात से तंग आकर प्रेशर में, प्लीज बच्चों को नंबर्स पे ग्रेड्स पे इतना प्रेशर ना करें। ये पढ़ाई बच्चों के लिए जरूरी है, इनके फ्यूचर के लिए जरूरी है, बच्चे होंगे तो फ्यूचर होगा। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जैसा आपका है वो फर्स्ट आता है तो आपके सारे ही बच्चे फर्स्ट है, या अगर फैमिली में अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ता है या कोई वो एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, बिहेवियर में बहुत अच्छा है, तो सारे बच्चे उसी की तरह हो। मिसाल जरूर दीजिए पर प्रेशराइज बिल्कुल मत कीजिए। बच्चों को बच्चों की तरह जीने दें, उनका बचपन है, वो खेलेंगे भी कूदेंगे भी और उनके इंटरेस्ट डेवलप करने में आप हेल्प करें। उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है बेहतर आप उनके सामने जो पोर्ट्रे करेंगे, आप उनके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, अगर ऐसे बच्चे आपको दिखते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो तो आप उनके सामने मिसाल बनकर आए कि वो आपको देखकर सीखें। ऐसे ही है। अच्छा इसमें एक चीज और है, अगर आपके घर में जैसे मेरे घर में तीन बच्चे हैं तो मेरे तीनों बच्चे एक जैसा नहीं पढ़ते, इनकी एक जैसी एक्टिविटीज नहीं है, इनका गेम खेलना इनकी बाकी चीजें एक जैसी नहीं है, तीनों के इंटरेस्ट अलग है। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट अलग है तो इन लोगों को उस इंटरेस्ट पे जाने दें, फोर्स ना करें। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो तीनों पोजीशन होल्डर है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अनाबी अगर तुम सेकंड आई हो तो अरम जो है वो फर्स्ट आया तो तुम फर्स्ट क्यों नहीं है। बिल्कुल, और आप अपने बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करें, उन जिस लेवल पर वो है उनको उससे ऊपर लाने के लिए अप्रिसिएशन जरूरी है, ना कर उन पर आप दबाव डालें। बिल्कुल, वो डिस्टर्ब होगा उससे बच्चा। बिल्कुल, और प्लीज मवाजना ना करें बच्चों का आपस में बिल्कुल भी, और ना ही टीचर्स प्लीज क्लास में ऐसा करें कि तुम, अक्सर ऐसा मैंने ये देखा है कि बच्चे को कहते हैं नहीं इसको तो छोड़ ही दो, इससे तो सवाल ही मत पूछे, इसको कहाँ आएगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, उस बच्चे पे फोकस करें। अगर मेरी ये वीडियो
कोई पेरेंट देखता है, कोई टीचर देखती है, तो ये हमारा माशर्ती तौर पर ये हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। आज जो मोमिना ने किया है इसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों पर आया है, लेकिन बच्चों आप क्या सोचते हो कि अगर आपको कभी कोई प्रेशर होगा तो आप क्या करोगे? ऐसे हम आपसे डिस्कस करेंगे या बाबा से डिस्कस करेंगे? और अगर हमारे अगर बच्चे पैर बिल्कुल ऐसा ही है, थैंक यू, मुझे ये बात सुन के खुशी हुई है और मैं ये बात जानती हूँ, सिर्फ मैं ये बच्चों को मैसेज देने के लिए मैंने इनके मुंह से ये चाहती थी कि ये कहें और बच्चे सुने। अगर आपके पेरेंट्स बेटा नहीं सुन रहे तो आप अपने टीचर्स से बात करें, अगर आपके टीचर्स भी नहीं सुन रहे तो प्लीज अपना कोई फ्रेंड बनाइए, अपने दोस्तों से बात करें। अगर आपके दोस्त भी नहीं बन रहे तो आजकल तो सोशल मीडिया हर बच्चे के पास फोन होता है, आप कहीं पे शेयर कर सकते हो बेटा, कहीं पर भी। देखिएगा सब लोग बुरे नहीं होते, कोई आपसे नफरत नहीं करता, कोई माँ बाप अपने बच्चों से नफरत नहीं करता, वो कभी कभी मीन हो जाते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वो कभी कभी ज्यादा सख्त हो जाते हैं, पर उनका मकसद आप लोगों को नुकसान पहुंचाना कभी भी नहीं होता, ना ही आपका टीचर्स का ये मकसद होता है। हाँ, बच्चे कभी आपस में बुली कर लेते हैं, लेकिन वो बचपना होता है उनका, वो उनकी नासमझी होती है। आप लोग अपने ऊपर ये प्रेशर मत लो, आप जैसे हो, आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाया आप बहुत बेहतरीन हो, आप इससे बेहतर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और आपको अगर हेल्प की जरूरत है तो आप अपने इर्द गिर्द से हेल्प लीजिए। सबसे पहले तो अम्मा बाबा से हेल्प लो, वालदेन जो है उनसे हेल्प लो, उनको बता दो, उनको शेयर कर दो, देखो फिर वो क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जब भी कोई बात हमसे शेयर की, हमने आपको स्ट्रेट अवे मना तो नहीं किया ना, डिस्कस करते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये मैसेज है कि अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें चीजें, और अगर खुदा ना खास्ता आपके पेरेंट्स इतना समझने वाले नहीं है आपको, वो आपकी चीजों को नहीं समझ रहे, तो प्लीज अपने किसी कजन से, चाचा से, पुप्पो से, आपके इर्द गिर्द जो आपके करीबी हैं, कोई तो होगा, उससे आप डिस्कस करें प्लीज। बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, बहुत ही खतरनाक न्यूज थी, अल्लाह ताला मोमिना की मगफरत फरमाए, उसके माँ बाप को, उसके भाई को, और जो भी उसके अजीज और रिश्तेदार हैं उनको सब्र जमील अता करे, और जाहिर सी बात है उसके क्लास के जो बच्चे होंगे, उसके स्कूल के जो बच्चे होंगे, उनके जो टीचर्स होंगे, वो भी हिल गए होंगे इस न्यूज के बाद। अल्लाह ताला उन सबको, उन सबकी मेंटल हेल्थ जो है उसको कायम दायम रखे, और प्लीज बच्चों ऐसा कुछ मत करो, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, बहुत सोशल डिप्रेशन में आजकल पेरेंट्स भी हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, आप लोग समझो इस बात को, माँ बाप नफरत नहीं करते अपने बच्चों से, वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स में से कोई एक ऐसा टॉक्सिक है, क्योंकि ऐसा होता भी है, तो आप प्लीज किसी और से हेल्प लें, पर ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाएं। और बस ये वीडियो यहीं तक थी, और मैं आपको बिल्कुल भी इसको नहीं कहूंगी कि आप लाइक करें ना करें, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक अच्छा है, ये दूसरों तक थोड़ी सी अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए, तो आप अपने दिल से इस वीडियो को लाइक करें, चाहे तो इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। और बस फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, अच्छी उम्मीद के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।